عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم يا عائلة الكشمير باتر، كيفكم؟ كلكم طيبون إن شاء الله. आज के ब्लॉग का टाइटल हम इंट्रो हमने अरबिक में दिया था। मैंने सोचा आज के बाद हमारे जितने भी ब्लॉग्स होंगे हम उनका इंट्रो मुख्तलिफ ज़बानों में देंगे। अच्छा, तो आज के भी एक नए ब्लॉग में खुश आमदीद। अभी सुबह के 6 बजे, सुबह 5:50 हुए, 6 बजे अभी सुबह के, और हम लोग जो नए ब्लॉग का आगाज़ किया, हमने सोचा कि आज थोड़ा सा खाली कबूतरों को, परिंदों को उनका खाना वगैरह डालते हैं, बाजरा डालते हैं, कचरा डालते हैं, कुछ लिए हम नीचे आए तो हमने सोचा है ब्लॉग बनाते हैं। आज का क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है तो इंशाल्लाह वो भी देखें। और अब्दुल्ला सुनाओ कैसा अभी टाइम गुजर रहा है? रोजा रखने के बाद रोजा अभी शुरू हो गया, क्यों कहना सोचो तुम लोग भी जाके। अरे मैं कहाँ पे सोऊंगा, अभी सुबह का टाइम हुआ, अभी थोड़ा सा जागेंगे, अभी ये ब्लॉग बनाएंगे उसकी प्रिपरेशन है, उसके बाद सोएंगे। आज हम बाजरा डालने परिंदों को, ऐसे तो हम हर दिन बाजरा डालते परिंदों को, लेकिन आप ही डाला करें। दिल वाले तो नहीं ले जाएंगे इसी डिटेल चीज। आओ आओ आओ, रुक जाओ रुक जाओ, मुझे लेने दो यार। सिमेटिक सिमेटिक, आओ 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 आओ। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छी और अच्छा एनवायरनमेंट है, हवा अच्छी चल रही है, फ्रेश एयर है। इस टाइम पे सबको बाहर निकलना चाहिए, लेकिन हम लोग सो रहे होते हैं इस टाइम पे। जो लोग भी इतना रात को जागते हैं बस वो लोग कभी कभी निकलते हैं, हम भी इतना ज़्यादा नहीं निकलते, कभी कभी निकलते हैं ना अब्दुल्ला? बिल्कुल। वो देखो बदी कहीं जा रहा है बहुत दूर, जाने दो, है कोई बंदा है वहाँ जा रहा है, बस पता नहीं कहीं है कोई बंदा, ये येलो शर्ट में हमारे साथ ही होता है कभी कभी। बदी वापस आ जाओ। आज मैं आपको ये एरिया थोड़ा सा दिखाता हूँ, और अब्दुल्ला बाद वहीं पे बैठे हैं, सुस्त फजूल किस्म के लोग हैं, कोई उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं कि हमने व्लॉग बनाना है या कोई शूटिंग करनी है, बस वो इसी तरह जाते हैं, हर जगह पे इतनी स्मेल आ रही होती है ना, अभी होता था भी यहाँ पे आ रही है। और गंदी सारा, लोग भी बड़ी हद कर देते हैं, कचरा अपना फेंकते ही नहीं, कहीं के दिनों के दो दो दिन कचरा होगा, दो दो दिन बाद फेंकेंगे, कई बार कचरा भर गया तो जाओ उसे जाके फेंक दो, स्मेल आती है। घर में बैठे रहते हैं यार, कचरा फेंको। यहाँ पे पाकिस्तान का सिस्टम नहीं है, वरना पाकिस्तान में कराची के अंदर लोग क्या करते हैं, कचरा नीचे ना वो बिल्डिंग से नीचे नहीं जाएंगे, कचरे को ऊपर से फेंक देंगे, कोई बात करेंगे। हुआ ये कि मैं उमरा करके वापस जा रहे थे, नहीं उमरा करके हम वापस जा रहे थे, तो फिर क्या हुआ कि रास्ते में जब हम चल रहे थे तो अचानक से कोई कबूतर मेरे बिल्कुल टांग के साथ से गुजर के गया, हाँ गर्दन टच करके, मैं जो इस तरह हो गया था साइड में, क्या हुआ थोड़ा जाके फिर मेरे सामने बैठे, और जब हम वो वहाँ से गुजरते ना, जब हम काबा की तरफ जाते हैं तो बीच में कबूतर आते हैं काफ़ी सारे, कबूतर चौक वहाँ पे, तो वहाँ से जब हम गुजरे थे कबूतर साइड में भी नहीं आते थे,
उधर मस्त मगर एटीट्यूड भाई एंड वो मस्त मगर उधर अपना दाना पानी खाए थे साइड से भी नहीं हट रहे थे। मैं सोच रहा था यार ये हम इंसान हम साइड से चले, इन्हें शर्म आनी चाहिए यार, हम इज्जत का तकाजा है कि हम थोड़ा सा इन्हें जगह दें, वो जगह नहीं दे रहे थे। एटीट्यूड ही इतना है उन परिंदों में। और मदीना के अंदर कबूतर चौक में जो जितने कबूतर होते हैं जितने परिंदे होते हैं वो तो बता नहीं सकता, मतलब वो तस्वीरें जब आप देखो तो आप हैरान हो जाओगे इतने सारे वहाँ पे। अभी वादी ने परिंदों को भगा दिया, अभी आया नहीं रहे कोई। मेरे इन तो गए ऊपर दो रहे, उन्हें खाना नहीं खाना था वाला, उनकी बीवी ने इनके लिए डाल दिया। ज़्यादातर खाना खा चुके हैं, ज़्यादातर खा चुके हैं ऐसे। अगर आपको बैकग्राउंड चाहिए कुछ आगे कुछ खाना खा चुके हैं, हम लोगों को दिखाते हैं कि उन्होंने कितना खाना खाया है। इस तरफ तो हमने ज़्यादा डाला था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस तरफ थोड़ा थोड़ा सा ये बिल्ली सो रही है। बिल्ली यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही है, पर हम लोग तंग कर रहे हैं। भैया ने उन्हें लग्जरी वाइब देनी चाहिए, पर गर्म रोटी हम नहीं खाए, परिंदों को गर्म रोटी दो तो। ये बात है, ये बादी को एक लगे ना सर पे उसको बड़ा आ जाए। ओए ओए दो रियाल कटे। अरे 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 दो रियाल नजर आए हमें, पैसा मेरा पैसा भाई साहब, ये जिसके भी दो रियाल हैं प्लीज आप इन दो रियालों का आके वापस ले जाएं, ये हमारे पास आपकी अमानत है। रामन लाल अरबी स्ट्रीट में, अगर आपके हाथों से गलती से गिर गए तो प्लीज आके इन्हें वापस ले जाएं, हमने इन्हें अमानत के तौर पर रखा। वो आगे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं कबूतर उड़ते हुए। मौसम बहुत प्यारा है, खासतौर पर जिस साइड पर अभी हम जा रहे हैं ना, वो आगे वाला व्यू देखें कितना प्यारा लग रहा है। बल्दिया की ट्रक की उधर बल्दिया का ट्रक है और गंदी स्मेल आ रही है, मैं इसी वजह से वहाँ पे भी कबूतर बैठे लेकिन वो अच्छा गहरी गंदी चलेगी। चलो कोई बात, जिसका भी भाई वो अब हमारे पास नहीं रहा तो अगर आपको वो अपनी अमानत चाहिए तो आपको गाड़ी वाले से रब्ता करना पड़ेगा, जिसका हमें नहीं पता। अभी प्लान करें कि एक बार फिर से मैंने इन कबूतरों को भगाना है। इट्स रियली बैड बादी, क्यों बेचारे कबूतरों को खत्म कर रहे हो? और बादी मेरा एक सवाल है आपसे, मास्क पहनना तो अभी गवर्नमेंट ने कह दिया नहीं पहनो, तो आपने क्यों मास्क पहना? यार अभी भी अब जैसे लोग मास्क नहीं पहनना तो जब आपको करना आता तब आप अस्तगफुरुल्लाह माफिया नहीं, हम लोग कोविड को मानते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट अभी मना कर दी कि आपको बाहर मास्क की कोई जरूरत नहीं तो क्या जरूरत है मास्क पहनने की? मतलब नहीं, ये वैसे जोक से पार्ट, आपको पहनना चाहिए, प्रोटेक्शन होती है। दोस्तों ये था हमारा आज का कश्मीर बेंच का ब्लॉग, तो प्लीज इस ब्लॉग को ज्यादा से ज्यादा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मिल सके।